हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो कल ही आपका जैसे वो आया था एसएससी सीजल 2022 की टेंटेटिव वैकेंसी, उसमें साफ साफ क्लियर हो गया था कि 37,000 प्लस आपकी वैकेंसी जो है वो इस बार देखने को मिलेंगी। तो आज आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेके आऊँगा, कि यहाँ पर देखिए एक ये नोटिस है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफ द वैकेंसी ऑफ द कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 के लिए इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वैकेंसी के रिगार्डिंग। पूरा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू अबव सब्जेक्ट एंड टू से दैट द कमीशन हैड पब्लिश्ड द टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन 2023 और 2024 के लिए इन्होंने कंडक्ट करवा दिया, टेंटेटिव कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया। ठीक है, मतलब 2023 का पेपर कब होगा सब कुछ बता दिया इन्होंने, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा CGL का और CHSL 2023 का। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट डेटेड 30 सितंबर 2022 हैड रिक्वेस्टेड ऑल द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू प्लेस अ सेंट्रल इंडेंट ऑन SSC ऑफ द सेम नंबर एज द 2022 साइकिल फॉर द एंटिसिपेटेड DR वैकेंसी अगेंस्ट प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट्स फॉर द रिक्रूटमेंट साइकिल 2023। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला है कि 2022 के लिए जो वैकेंसी प्रोजेक्ट की गई थी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट की गई थी, सेम वैसा ही नंबर, यहाँ पे नंबर की बात की है, उतना ही नंबर 2023 के लिए भी इन्होंने बोला है डिपार्टमेंट को शो करने को। मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पढ़िए, इसका जिक्र करना लाजमी है। दिनांक 30/9/2022 अनुबंध ए एनेक्शन 1 ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया था कि वे भर्ती चक्र 2023 के लिए अनुमानित सेवानिवृत्ति आदि के विरुद्ध प्रत्याशित जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिक्तियों के लिए 2022 चक्र के समान संख्या का SSC पर एक केंद्रीय मांग पत्र रखें। तदनुसार आयोग ने भर्ती चक्र 2022 के लिए संबंधित मंत्रालय और विभागों से रिक्तियां प्राप्त की। ठीक है, तो 2022 के लिए तो उन्होंने वो निकाल दिया, तो 2023 के लिए भी उन्होंने एक SSC पर एक केंद्रीय मांग पत्र जो है वो कहा है कि वो रखें उसका। इसलिए आयोग ने सभी डेंटिक मंत्रालयों विभागों और संगठनों से रिक्तियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया है, जो 27/1/2023 से 28/2/2023 की अवधि के दौरान अस्थायी रूप से सक्रिय होगा। इस संबंध में इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा वर्ष 2023 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों को ही सूचित किया जाए। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, इसलिए सभी मांगकर्ता मंत्रालयों विभागों कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों से संबंधित पदों के लिए समेकित रिक्तियों की रिपोर्ट वैकेंसी कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से दें, जिसे वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, द कमीशन है देयरफॉर डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वैकेंसी फ्रॉम ऑल द इंडेंटिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विच विल बी टेंटेटिवली बी एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन दिस रिगार्ड इट इज एम्फेसाइज्ड दैट ओनली वैकेंसी प्रपोज टू बी फिल्ड थ्रू एग्जामिनेशन 2023 में बी रिपोर्टेड टू द कमीशन। तो 2022 के रिगार्डिंग जैसा आपका डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ली गई थी, वैसा 2023 के लिए भी होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, हिडन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप SSC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर जो है वो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में 2023 के लिए, तो आप कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आप देखोगे। ठीक है, इसमें आपके 2000 प्लस MCQ हैं, TCS के सारे पुराने पेपर हैं। इसके अलावा जो बाकी आपके और एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा सिलेबस चाहिए, वो भी मैंने सारा इसमें जो है वो मेंशन कर दिया, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। आपको हर टॉपिक के साथ जो है वो MCQ देंगे, SSC का अलग सिलेबस है यहाँ पे, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता हूँ। तो इसमें आपको जो है वो टेबुलेटेड फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, ताकि आपको एक ग्रिप मिले। ठीक है, आपको पढ़ते ही याद हो जाएँ चीज़ें, और साथ में आपको जो कलर्ड PDF है वो मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल PDF है, वहाँ जाके आप सैंपल देख सकते हैं इसका, और अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।